रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट व्लॉग शूट करने जा रहे हैं, तो आई होप कि आपको मेरे पिछले सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। तो आज मौसम बड़ा ही प्यारा है, बारिश हो रही है और हम लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं। जी तो आज हम आए हैं झेलम रिफ्रेशमेंट सेंटर पे, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो अंदर चलें। तो ये हम अंदर आ चुके हैं, ये इनके फ्रीज़र हैं, इनमें आइसक्रीम्स हैं, ये सारे फ्लेवर्स हैं। और ये अंदर इनका हॉल है, ये फैमिली हॉल है इनका, आप इधर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, ये ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं, और ये इनकी सोफ़ा सिटिंग्स हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। तो अभी हम ये इनकी मेकिंग देखने लगे हैं। तो ये इनकी मेकिंग है, ये भाई आप बता देंगे ये क्या है? ये रबड़ी दूध है। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाते हैं। ये भाई ने रबड़ी दूध डाल दी है, ये इसमें ये रबड़ी जा रही है। ये इनके कैप लगा दिए इन्होंने ऊपर भाई, ये फालूदा बना रहे हैं। भाई आइसक्रीम शेक बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने इसमें आइसक्रीम शामिल कर दी है, ये इसमें दूध शामिल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दूध है इनका। तो ये शेक हमारा बन रहा है, इसका एड्रेस मैं आपको बता दूं, ये झेलम में पंजाब बेकर्स के बिल्कुल सामने है। ये सामने आपको पंजाब बेकर्स नज़र आ रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने आपको ये झेलम रिफ्रेशमेंट सेंटर नज़र आ जाएगा। तो ये हमारा शेक तैयार हो रहा है, ये शेक के लिए ये ग्लास तैयार हो रहा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ ही इसको तैयार कर रहा है। अब ये इसमें दोबारा आइसक्रीम शामिल कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थिक क्वांटिटी में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ये इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। जी तो ये हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है, ये है जी हमारा मैंगो आइसक्रीम शेक। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने बनाया है, बहुत ही इसकी जो है ना थिक है शेक। ये साथ रबड़ी दूध है हमारा, और ये है कुल्फा फालूदा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी है इनकी, और बहुत अच्छा इनका सारी चीज़ें मिला रही हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। पहले हम ये फालूदा चेक कर लेते हैं, ये माशाल्लाह मज़े का ये, और काफ़ी थिक इन्होंने इसमें आइसक्रीम जो रबड़ी का जो दूध है वो डाला हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। अब हम ये रबड़ी दूध चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह ये भी बहुत मज़े का है, मीठा इसमें बिल्कुल मुनासिब है, ये तो बिल्कुल बेस्ट है। ये हमारा मिल्क शेक, इसकी तो प्रेजेंटेशन ही बेस्ट है। ये टेस्ट में तो आपको अच्छा लगेगा ही, लेकिन इससे पहले इसकी प्रेजेंटेशन इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। देखते हैं ये कैसा है, माशाल्लाह ये भी बहुत मज़े का है। हाँ जी तो अगर आप ये रिफ़्रेशमेंट हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा झेलम रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हम तो अब ये इंजॉय करते हैं, आपसे मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।